देखते हैं जिनका इनरोलमेंट नंबर है DL202302 है और मास मीडिया डिजिटल वर्कशॉप प्रोग्राम में जो कंडक्टिंग शेयरिंग करें। खेटे साहब ये बताइए, सड़क दुर्घटनाएं जो होती है उसमें मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, कुछ बताएंगे आप उसको लेकर? सड़क दुर्घटना के बारे में सोच लिया जाए तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि इसे दुर्घटना से कैसे बचा जाए, ये प्रवासी और नागरिकों को उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके बताना चाहिए और दुर्घटना से कैसे दूर हो जाए ये भी बताना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात सर, समाज की यदि मैं बात करूँ, महिलाओं को लेकर बराबर चिंतित नजर आता है, महिलाओं के रिजर्वेशन सब कुछ मानना, लेकिन एक और समाज में थर्ड जेंडर है, किन्नर समाज, उसको लेके कोई बात नहीं हो रही। और वो लगातार जनता को दुखी करना, भीख मांगना, तंग करना, उनको भी शायद अभी ओलंपिक खेलों में देखा गया, उनको साझेदारी की जाती तो शायद परिवर्तन हो सकते हैं, उसको लेके कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसमें जैसा कि आपने थर्ड जेंडर की बात की, किन्नर लोगों की बात की उठाई, जैसे कि उनको समाज के अंदर एक अलग नजरिया से देखा जाता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र शासन ने उनके लिए अलग से आरक्षण प्रावधान रख के उनको उत्थान के लिए काम कर दिया जा रहा है। कैसे परिवर्तन हो सकता है, कुछ अपना आइडिया बताएंगे आप? तो उनको महाराष्ट्र शासन की तरफ से उनको किन्नरों के आरक्षण के अंदर उनको भी परसेंटेज रख के उनके उत्थान के लिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट करके उत्थान करने की योजना जारी की है। एक आप जो मास मीडिया डिजिटल की बात करो, जिसका जो आप डिप्लोमा और वर्कशॉप कोर्स करते हैं, क्या उसको वास्तविक कुछ फायदा होता है क्या, और मीडिया जाके क्या आप करना चाहते हैं? वास्तविक फायदा ये है कि समाज के अंदर जो शासन की तरफ से क्या कमियां है, समाज शासन और मास मीडिया, ये मास मीडिया है, समाज और शासन के बीच का मीडिया बन सकता है, कि शासन में कहाँ पहुँच नहीं रहा है, मीडिया कहाँ कम पड़ रहा है, मीडिया कहाँ पहुँच सकता है और क्या उसको शासन की तरफ दे सकता है, बहुत अच्छी भूमिका रख सकते हैं। सपोज आपको एज ए मीडिया आप आगे बढ़ते हैं और तो क्या काम करना चाहेंगे आप सबसे पहले? मैं तो समाज की जो कमी है, शासन की तरफ से कमियाँ जो समाज को देना, जो पिछड़े लोगों की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो शासन की वहाँ तक पहुँचते नहीं है, वो मीडिया की तरफ से मैं करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल ठेटे, जिनका की इनरोलमेंट नंबर DL202302 है और कहीं ना कहीं अपनी भूमिका बता रहे थे, कमिंग डेज में वो जो समाज की समस्या बता रहे हैं, यानी किन्नर समाज की बात करूँ, रोड एक्सटेंड करूँ, ये तमाम शोध के कार्य थे और लगातार वो आगे अपनी शोध और फाइल भेजेंगे अपने रजिस्ट्रार को, जहाँ पर वो जो 200 नंबरिंग का होना है उस पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।